इस वक्त इराक में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। हिजबुल्ला लड़ाकों ने किया हमला, पहली बार अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। तो आप देखिए हिजबुल्ला लड़ाकों ने किस तरह से इराक में अमेरिकी बेस पर हमला किया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर, हिजबुल्ला का आईडीएफ के ठिकानों पर हमला। लेबनान सीमा पर आईडीएफ पोस्ट पर अटैक हुआ है। हिजबुल्ला ने दक्षिणी लेबनान में एक पोस्ट पर किया है हमला। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है गाजा से। गाजा के एक और अस्पताल के पास हमला हुआ। रॉकेट हमले के बाद अस्पताल के पास धमाका हुआ। अल खुद्स अस्पताल के पास ये जोरदार धमाका, तस्वीरें। और अगली बड़ी खबर, अस्पताल के पास हमले में फिलिस्तीन का दावा। अस्पताल के पास इजराइल का फिर हमला हुआ है। इसराइल ने हवाई हमले को अंजाम दिया है। एक और हमला अस्पताल के बिल्कुल पास ये हमला हुआ है और फिलिस्तीन ने इस हमले के लिए इसराइल को ठहराया जिम्मेदार। और देखिए एक और बड़ी खबर, सराया अल खुद्स लड़ाकों का भीषण हमला हुआ। इजरायली मिलिट्री साइट पर यह हमला किया गया। मोर्टार से ताबड़तोड़ हमले किए गए। और इजरायली ठिकानों पर हमास के भीषण हमले भी जारी हैं। हमले के बाद लग गई भीषण आग। हमास के हमले में एक इजरायली पोस्ट तबाह हो गई है। हिजबुल्ला ने जारी किया है इस हमले का वीडियो। और देखिए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्ला के ठिकानों पर इजरायल की बमबारी। हिजबुल्ला की चौकी को तबाह किया। हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में यह कार्रवाई इजराइल की तरफ से की गई। और अगली बड़ी खबर, इजराइल ने वेस्ट बैंक के रामल्ला पर हमला किया है। आईडीएफ ने आधे घंटे तक की बारूदी बारिश। आईडीएफ ने हमास के संदिग्ध लड़ाकों को किया गिरफ्तार। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा में इजराइल की बहुत बड़ी तैयारी। इजरायली फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अब तैयार है, सिर्फ आदेश का इंतजार कर रही है आईडीएफ। गाजा बॉर्डर पर तैनात है 1,000 से ज्यादा टैंक। This unit will be one of the first to enter Gaza when orders are given to launch a ground invasion. और अगली बड़ी खबर, गाजा बॉर्डर पर टैंकों की तैनाती बढ़ गई है। बड़ी संख्या में टैंकों को तैनात किया गया है गाजा बॉर्डर पर। किसी भी वक्त बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इसकी तस्दीक कर रही हैं। तकरीबन 1,000 टैंक तैनात किए गए हैं गाजा बॉर्डर पर।